गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सर? आई होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि बच्चों, हमने कल महाभारत का चैप्टर कुंती किया था, तो आज बच्चों हम व्याकरण का पार्ट 3 लेंगे, शब्द विचार। इससे पहले हमने भाषा के बारे में जाना, फिर हमने वर्ण विचार के बारे में जाना, और आज हम जानेंगे शब्द विचार कि शब्द कैसे बनते हैं। तो देखो बच्चों, अलग अलग स्वर और व्यंजन, इन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? शब्द बनता है। यानी कि अलग अलग स्वर लेने पड़ते हैं, व्यंजन लेने पड़ते हैं, और उन दोनों को मिलाकर क्या बनता है? शब्द बनता है। जैसे कि क अ म अ ल अ, अब क्या बन गया? कमल। अब इसमें हमने क्या लिया? व्यंजन लिया, क स्वर लिया, क। तो क्या है, इनको व्यंजन और स्वर को मिलाने पर क्या बना? शब्द बना। ठीक है, अब जैसे क अ ल अ म अ, क्या बन गया? कलम। तो ये क्या है? शब्द है। ठीक है, ये एक सार्थक शब्द है। सार्थक शब्द मतलब जिसका कोई अर्थ होता है। अब देखा जाए तो कमल, कमल क्या है? फूल का नाम है। कलम, कलम क्या होता है? पेन को हम कलम बोलते हैं। तो जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले, यानी कि उसका जो है एक अर्थ निकले उस सार्थक शब्द, उसको सार्थक शब्द बोलते हैं। यानी कि कमल और कलम, ये क्या है? सार्थक शब्द है। फिर है, अगर हम इन्हीं ध्वनियों से, इन्हीं ध्वनियों से अगर हम लगम या मकल ये लिखे तो वो हिंदी की शब्द नहीं है, क्योंकि उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। इन दोनों का अर्थ निकल रहा है, मतलब ये सार्थक शब्द है। फिर है कि ध्वनियों का जो सार्थक समूह होता है, उसकी जो स्वतंत्र इकाई होती है, उसी को ही हम शब्द कहते हैं। अब है इसका जो परिभाषा होगी वो क्या होगी कि एक से अधिक जो ध्वनियाँ, उनके मेल से जो सार्थक ध्वनि होती है, यानी कि एक से अधिक किया जाए, उसे शब्द कहते हैं। ठीक है, तो शब्द की परिभाषा क्या होगी कि एक से अधिक ध्वनियों के मेल से, यानी कि जब स्वर और व्यंजन की ध्वनियां मिल जाती हैं, तो उनकी जो सार्थक ध्वनि समूह होता है, सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ निकलता है, उसको स्वतंत्र रूप में प्रयोग करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अब ये जो मेन बात है वो ध्यान देना, नोट, कि शब्द किससे बनते हैं? ध्वनियों के मेल से बनते हैं। ठीक है, फिर है नंबर 2, शब्द का कोई में कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, नंबर 3, शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई। बातें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले तो शब्द जो होते हैं वो ध्वनियों के मेल से बनते हैं, यानी कि स्वर और व्यंजन के मेल से बनते हैं। फिर शब्द का कोई ना कोई अर्थ निकलता है, यानी कि सार्थक शब्द होते हैं।
जो है वो भाषा की स्वतंत्र इकाई है, यानी कि ये अपने आप में ही स्वतंत्र है। अब है पद। देखो बेटा ये शब्द है, ठीक है, अगर इसको हम वाक्य में ले लेते हैं तो वो पद कहलाते हैं, यानी कि ये अपने आप में, देखो जैसे मैंने लिखा कमल, कलम, ठीक है, ये क्या है, ये शब्द है। अब जब मैं शब्द को वाक्य में ले लूंगी, जैसे मैं कलम से लिखती हूं, ठीक है, अब ये क्या है, ये सब अलग अलग शब्द है, ठीक है, मैं कलम से लिखती हूं, अब ये कलम क्या है, इसके वहां पर था वो शब्द हो गया था, लेकिन अब ये वाक्य में आ गया तो ये सारे अलग अलग पद हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो जैसे कि बेटा ऊपर बताया गया है, अब हम पद के बारे में जानेंगे। जैसे कि बताया गया है शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है, यानी कि अपने आप में वो स्वतंत्र है। इन्हीं शब्दों का जब हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तब उन्हें शब्द ही कहा जा सकता, तब वो क्या कहलाते हैं, पद कहलाते हैं। यानी कि जब अलग है, अगर अलग है तो ये शब्द कहलाएंगे, लेकिन जब शब्दों को हम वाक्य में ले आते हैं तो उसको वाक्य नहीं कहेंगे, उसको फिर शब्द नहीं कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, पद कहलाएंगे। और पद बनने से पहले कोई न कोई प्रत्यय जोड़कर उसके रूप में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे कि आप लोगों ने अभी तक समझा होगा उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग कौन से होते हैं, जो आगे की ओर लगकर उसको एक नया शब्द बना देते हैं, और प्रत्यय जो पीछे की ओर लगकर उस व्यवहार शब्द को एक नया शब्द बना देते हैं। तो पद बनने से पहले शब्द में कोई ना कोई प्रत्यय जोड़कर उसका रूप में परिवर्तन कर देते हैं, इसीलिए पदों को क्या कहा जाता है, शब्द रूप भी कहा जाता है। जैसे अब एक शब्द है लड़का, मैंने यहां लिया शब्द लड़का, ठीक है, और लड़का शब्द के वाक्य में इसके विभिन्न रूपों को देखो आप, लड़की ने आम खाया, लड़कों को बुलाओ, हे लड़के इधर आओ, लड़को वही बैठे रहो, लड़का घर आया। अब देखो ऊपर के वाक्यों में क्या है, लड़को, लड़के, लड़की, ये सब अलग अलग रूप में है। अब हमने इसके साथ क्या लगाया, लड़के, लड़कों को लगा दिया, कहीं पर क्या हमने कहा लड़का आ लगा दिया, तो ये क्या है, पीछे हमने कोई ना कोई प्रत्यय लगाया, ठीक है। किंतु वाक्य पांच जैसे मैंने कहा लड़का घर गया, तो लड़का शब्द में कोई प्रत्यय नहीं है, ठीक है। लड़का में क्या है, लड़का में स्वर और व्यंजन दोनों है, लेकिन जब हमने कहा हे लड़के लड़के इधर आओ, तो उसमें क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, लड़के ए लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, ऐसे जगहों पर जहां कोई प्रत्यय दिखाई नहीं देता वहां पर वो शून्य प्रत्यय माना जाता है, यानी कि जहां पर प्रत्यय दिखाई नहीं दे रहा वहां पर क्या है, शून्य प्रत्यय, यानी कि कोई शून्य, यानी कि कोई प्रत्यय नहीं लगा हुआ। अतः लड़का घर गया वाक्य का लड़का शब्द नहीं है, बल्कि शून्य प्रत्यय शब्द है। अब मेन जो है इसकी परिभाषा क्या होगी, कि व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्यों के प्रयुक्त शब्द को ही पद कहलाते हैं, यानी कि व्याकरण के अगर हम नियमों को देखें, वो नियम क्या कहते हैं, कि जब शब्द जो है वाक्यों में आ जाते हैं तो वो पद कहलाते हैं। अब देखिए शब्दों का वर्गीकरण हम किस आधार पर करते हैं, तो बच्चों शब्दों का वर्गीकरण देखिए बेटा, तो चलिए बेटा अब हम देखते हैं कि शब्दों का जो वर्गीकरण होता है वो किस आधार पर किया जाता है, क्योंकि शब्दों के माध्यम से भाषा जो होती है वो समृद्ध हो जाती है और ज्यादा विकसित हो जाती है। ये शब्द कैसे बनते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इनके क्या क्या अर्थ हो सकती हैं, इनका विकास कैसे हो सकता है, यह
આ દેશ છે. એન્ડ ઉસકે બાદ વિદેશી શબ્દ. उत्पत्ति के आधार पर हम इसको चार आधारों पर वर्गीकरण करते हैं. उत्पत्ति के आधार पर में पहला जनक तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, यानी कि इन चारों आधार पर हम शब्द का वर्गीकरण करते हैं. तो तत्सम, तत्सम कौन से शब्द होती है? ये वो शब्द होती है जो संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लाए जाते हैं, यानी प्रयोग किए जाते हैं. तत्सम ये वो शब्द है जिनका प्रयोग हम हिंदी में जैसे संस्कृत में करते हैं, ठीक है, वैसे ही हम इसको हिंदी में करते हैं. इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता. जैसे गज, ठीक है, अग्नि, गुरु, ग्रीव आदि, ठीक है, जैसे ये संस्कृत में आए हैं वैसे इसको हम हिंदी में लिखते हैं. अब है तद्भव. तद्भव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संस्कृत से बनने वाला, यानी कि तत्सम में तो जो शब्द संस्कृत भाषा के हैं वही समान हिंदी भाषा में भी हैं. जैसे गज हो गया, अग्नि हो गया, ग्री हो गया, ठीक है, गुरु हो गया. अब तत्सम बन सकते हैं, ये वो शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हैं. जैसे वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों का रूप बदल कर बनते हैं, यानी कि आते ही संस्कृत भाषा से हैं लेकिन हिंदी में आने के बाद इनका रूप जो है वो बदल जाता है. जैसे हाथ, अब देखो संस्कृत में तो क्या था? हस्त. लेकिन अब अगर हमें इसको हिंदी में लेकर आए तो हमने क्या किया? हाथ, ठीक है. ऐसे ही संस्कृत में अग्नि, ठीक है, अगर हमने हिंदी में इसको तद्भव में लेकर आए, हिंदी में लेकर आए तो हमने इसका रूप चेंज कर दिया अग्नि का आग, ठीक है. ऐसे ही क्या है, मैं फिर में बता रही हूँ, तत्सम ये वो शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा के समान ही हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के लाए जाते हैं. जैसे संस्कृत में लिखते हैं वैसे ही हिंदी में लिखते हैं. लेकिन तद्भव में क्या होता है कि संस्कृत से बनने वाले शब्द, यानी कि जो शब्द संस्कृत में होते हैं उसको हम चेंज करके उसमें परिवर्तन लाकर उसमें हम हिंदी में ले जाते हैं. फिर है देशज. देशज कौन से होते हैं? जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हिंदी में आए हैं और जनता की आम बोलचाल की भाषा से विकसित हुए हैं, यानी कि जनता की, जो जनता हम लोग कहते हैं कि हम लोग जिसको बोलते आए हैं वो क्या हो जाते हैं, वही जो है वो उसका रूप बनकर आ जाता है. जैसे पगड़ी, बिबिया, जूता, लोटा, जुगी, ये क्या है? ये जनता की आम बोलचाल वाले शब्द होते हैं. देश मतलब अपनी ही भाषा में, अपनी ही बोली में बोले जाने वाले शब्द. फिर है विदेशी. विदेशी क्या होते हैं? विदेशी जातियों के संवर्ग में बहुत सी भाषाओं के बहुत से शब्द जो है वो हिंदी में आए हैं, यानी कि विदेशी. विदेशी मतलब उधर बाहर की भाषा है, ठीक है. तो ये वो, इसमें वो शब्द आते हैं जो क्या है, विभिन्न भाषा के बहुत से शब्द ऐसे हैं जो हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं. जैसे कॉलेज, ठीक है, डॉक्टर. अब देखो डॉक्टर है, ठीक है, उसको हम इंग्लिश में भी प्रयोग लिखते हैं और हिंदी में भी उसको लिखते हैं. चाय, कॉफी, ठीक है, कॉलेज, नॉलेज, ये क्या है? ये विदेशी शब्द है, अलग अलग जो है भाषाओं से आए हैं, विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा जो है उनके बहुत से हिंदी में प्रयोग होने लग गए हैं. तो ये थे तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी. इसके बाद अब जो अंग्रेजी शब्द है, ठीक है, अंग्रेजी शब्द इसके भी क्या होते हैं आगे विदेशी में? अंग्रेजी हो गया, फारसी भाषा हो गई, अरबी हो गई, तुर्की है, पुर्तगाली है. अब हिंदी में प्रयोग की जाने वाली जैसे अंग्रेजी शब्द, अगर हम बात विदेशी की कर रहे हैं, इसमें कौन कौन सी भाषाएं आ जाती हैं? अंग्रेजी आ जाती है, फारसी आ जाती है, अरबी ये आ जाती है. तो अंग्रेजी वाले शब्द कौन कौन से होते हैं? स्टेशन, अब उसको हिंदी में भी हम स्टेशन ही बोलते हैं, स्कूल, ऑफिसर, डॉक्टर, हॉस्पिटल, या फिर जैसे हम बात करते हैं विदेशी. अब इसके अंग्रेजी की तो शब्द हैं, अंग्रेजी शब्द क्या है? इंजन, ये क्या है? इंग्लिश का शब्द है. इसके बाद टेलीफोन, ये भी क्या है? इंग्लिश का ही है, ठीक है. अब है फारसी. फारसी शब्द, ये क्या है? आबरू,
आबरू का मतलब क्या होता है? इज्जत, आबरू। फिर है आवारा, आवारा मतलब जिसको कोई काम धाम नहीं होता, जो फिल्म में घूमता ही रहता है। फिर है अरबी शब्द, अरबी शब्द इसमें क्या आ गया? अमीर, अमीर जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, औरत। फिर है तुर्की शब्द, तुर्की शब्द कालीन, कालीन क्या है? तुर्की शब्द है कालीन। चिक, चिक क्या होती है? जो एक गर्मियों में हम लगाते हैं जिससे कि धूप अंदर ना आ सके, उसको हम चिक बोलते हैं। फिर ये देखो बेटा, अब विदेशी में अंग्रेजी शब्द आ गए, फारसी शब्द आ गए, अरबी शब्द आ गए, तुर्की शब्द आ गए, पुर्तगाली आ गए। अंग्रेजी के शब्द कौन से होते हैं? इंजन, टेलीफोन। फारसी के आबरू, आवारा। अरबी अमीर, औरत। तुर्की काली, चिक। पुर्तगाली अलमारी, चाबी। ये हमने बेटा आज कर दिए हैं। अब मैंने आपको बताया शब्द किसे कहते हैं, पद किसे कहते हैं, शब्दों का वर्गीकरण किन आधारों पर किया जाता है, ठीक है, चार आधारों पर किया जाता है। हमने उत्पत्ति के बारे में बताया कि उत्पत्ति में जो है वो कहाँ कहाँ से तत्सम, तत्व, देशी, विदेशी, देशी की हमने आगे बताया कि कितने शब्द होते हैं। तो हम आज ये अभी करेंगे, कल जो है जो बाकी का बच गया वो हम कल करेंगे। तो आप जो इस वीडियो को ध्यान से देखना और अच्छे से समझना।